नीमका थाना के टोडी गांव में पिस्टल की नोक पर शराब ठेका लूटने का मामला सामने आया है। सोमवार मंगलवार की रात 5-6 बदमाश ठेके पर शराब लेने पहुंचे। चौकीदार राजवीर ने बताया कि शराब देने से मना करने पर दो जने और आ गए। तलाशी लेने के बाद पिस्तौल तान दी और ठेके वाली दुकान का शटर तोड़कर करीब 4.5 लाख रुपए की शराब की पेटियां गाड़ी में डालकर ले गए। चौकीदार ने ठेकेदार भंवर सिंह को सूचना दी, जिसने टोड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज और सदर थाना सीआई करण सिंह को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद शराब लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पिस्टल जी के नाम था रो राजवीर सिंह। कै बजे घटना? 12 बजे। अच्छा, 12 बजे 11:30 एक बजे में पुलिस वाले ने फोन करा दी। गाड़ी कैसी जी? गाड़ी तो मैं देखी को ना दावे पड़े कितनी देर दावे रहेगा? माल लोड करी सकते हैं, पास जाता वो तालो लगा का शटर बंद कर तालो लाइयो को ना बाटर लगा रहा है तुम। अच्छा, ये सब कुंडो बंद को नहीं हुआ तालो में। दूसरा वो एक डम फर बाल देर बाग खाओ हम वापस बंद कर का निकला भी कठी करे पास हम पड़ी पड़ी देख मैं वो जगह अपने बाटर अंदर देखा बाटर लाइयो फिर मैं सटन चौपर में चार मन खेली एक लाई सौ पांच हजार आज हम एक आदमी करेगी।